दोस्तों, अगर आप बिना जाने अपने सिम कार्ड को BSNL में पोर्ट कराते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। दोस्तों हाँ, आप BSNL में पोर्ट करा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से यदि अपने सिम कार्ड को यूज करते हैं तो दोस्तों BSNL में पोर्ट कराने के बाद क्या रिचार्ज प्लान्स BSNL भी महंगा कर देगा? दोस्तों पूरी जानकारी जानिएगा, तभी आप BSNL में पोर्ट कराइएगा, वरना आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। नमस्कार दोस्तों, टेकगेयर न्यूज चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। BSNL जो है आपका रिचार्ज प्लान्स नहीं बढ़ाया है, आप भी जानते हैं, सभी कंपनी अपना रिचार्ज प्लान्स को बढ़ा दिए, और BSNL एक मात्र ऐसा कंपनी जो रिचार्ज को नहीं बढ़ाया है। और आज BSNL ट्रेंडिंग में चल रहा है, BSNL को लोग लाइक करने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा यूजर्स BSNL में जा रहे हैं, और जाने के बाद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बाद में पछता रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं पछताएंगे, आप अपने दिमाग से BSNL में जाएंगे। हम पूरी डिटेल्स बताते हैं। देखिए, BSNL में किस कंडीशन में आपको सिम कार्ड पोर्ट कराना चाहिए? दो कंडीशन आपके पास होता है। एक होता है आप इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते हैं सिम कार्ड, और दूसरा कंडीशन होता है आप सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए SMS और OTP और इनकमिंग कॉल को एक्टिव रखने के लिए सिम कार्ड को जिंदा रखने के लिए चालू करते हैं। प्राइमरी सिम कार्ड को बोलते हैं जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी सिम कार्ड में आता है, और सेकेंडरी सिम में आता है जिससे इंटरनेट नहीं चलता है। अब इस कंडीशंस में आपको कौन से सिम कार्ड को पोर्ट कराना चाहिए? अधिकतर लोगों के पास डबल सिम कार्ड है, और कीपैड फ़ोन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट BSNL क्यों पड़ने वाला है। तो आपके एरिया में यदि BSNL का नेटवर्क अच्छा है, कीपैड फ़ोन में पकड़ता है, बात होती है, फ्रेश बात होती है, तो आपको कीपैड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पड़ने वाला है, क्योंकि BSNL मात्र ₹107 में आपका 35 days वैलिडिटी दे देता है। आपके सिम कार्ड को जिंदा रखने के लिए मात्र ₹107 की ज़रूरत पड़ती है, और अदर कंपनी आपसे ₹200 चार्ज कर रहा है। तो इस कंडीशन में BSNL का नेटवर्क अच्छा है, बात होता है, मैसेज आता है, OTP आता है, तो आप BSNL में 100% पोर्ट कराइए। पोर्ट ऑफर मैं आपको बता दूंगा, भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी पोर्ट ऑफर की जानकारी बताता हूँ, ठीक है? लेकिन इस कंडीशन में आप आ सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, यदि आपके पास बड़ी मोबाइल है और बड़ी मोबाइल में दो सिम कार्ड है, तो दूसरी सिम कार्ड को आप यदि नेटवर्क अच्छा है तो यूज कर सकते हैं। और पहली सिम कार्ड को यूज तभी करिएगा जब आपके एरिया में 4G नेटवर्क प्रॉपरली तरीके से अच्छा हो, वरना आप इंटरनेट के लिए 2GB डाटा प्रतिदिन मिल रहा है पोर्ट ऑफर में, और आपने पोर्ट करा लिया, क्या भैया आपका इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको उसमें 2 महीने रहना 3 महीने रहना पड़ेगा। 90 दिन के बाद ही दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा पछतावा आपको होगा। तो उस कंडीशन में यदि आपके एरिया में 4G नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है BSNL का, तो आप BSNL में मत पोर्ट कराइएगा, इंटरनेट के लिए पोर्ट मत कराइएगा, वरना आप पछताएंगे, 90 दिन उसी में रहना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन में यदि आपको केवल बात करने के लिए, इनकमिंग आउटगोइंग सिम कार्ड को चालू रखने के लिए, SMS OTP आने के लिए, तो बहुत धांसू BSNL पड़ने वाला है, ठीक है? तो हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। यदि आप गलती करेंगे तो पछताएंगे, 90 दिन रहना पड़ेगा पोर्ट में, ठीक है? तो BSNL का फुल डिटेल्स हमने बताया, पोर्ट ऑफर बहुत ज़बरदस्त है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, लोगों में शेयर करिएगा, ताकि वो एक गलती ना करें BSNL में पोर्ट कराकर। यदि पोर्ट कराएं तो आप पहले पूरा डिटेल से आप समझ लीजिए ये वीडियो में जो हमने आपको समझाया।